खबर समय जगत में आपका स्वागत है। मैं हूं जितेंद्र जैन। आइए नजर डालते हैं आज के कुछ मुख्य खबरों। भेटमा आगामी त्योहारों को लेकर मंगलवार को शांति समिति की बैठक संपन्न हुई। बैठक में गणेश समिति, झांकी निर्माता एवं समिति पदाधिकारी, अखाड़ों के उस्ताद, स्वागत मंच लगाने वाले संगठन के पदाधिकारी के अलावा प्रबुद्ध जन, जनप्रतिनिधि, सामाजिक कार्यकर्ता और प्रशासनिक अधिकारी मुख्य रूप से उपस्थित हुए। थाना प्रभारी संजय सिंह ने कहा कि आपराधिक प्रवृत्ति के लोगों पर नजर रखी जाएगी और सौहार्दपूर्ण वातावरण के साथ त्यौहार मनाने की अपील की। अनंत चतुर्दशी के दिन गणेश विसर्जन वाले दिन सावधानी बरतने के निर्देश भी दिए। बैठक को नगर परिषद अध्यक्ष प्रतिनिधि शशि जसवाल ने संबोधित करते हुए कहा कि तेजोदशमी को राजबाड़ा चौक की साफ सफाई के साथ झांकी निकलने वाले मार्ग को दुधिया रोशनी से सुसज्जित किया जाएगा। नगर परिषद द्वारा प्रत्येक झांकी को 11,000 रूपये की प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। बेटमा पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष धर्मवीर सिंह चौहान ने कहा कि झांकियों की परम्परा बहुत पुरानी, इसे लगातार जीवन रखने के लिए सभी को सामूहिक प्रयास और सहयोग करना चाहिए। उन्होंने भी अपनी ओर से 5100 रूपये प्रत्येक झांकी को देने की बात कही। वहीं शंकर लालवानी के प्रतिनिधि द्वारा भी 11,000 की प्रोत्साहन राशि देने की घोषणा की गई है। एसजीओपी राहुल खरे, मूलचंद शर्मा ने भी संबोधित किया। इस अवसर पर प्रभु जन, जनप्रतिनिधि, बिजली विभाग, स्वास्थ्य विभाग, नगर परिषद विभाग के प्रतिनिधि उपस्थित रहे। आज दिनांक को बेटमा थाने पर आगामी त्योहारों को लेकर शांति समिति की बैठक आयोजित की गई, जिसमें कार्यक्रम के आयोजकों को, गणमान्य नागरिकों को, पत्रकार बंधुओं को आमंत्रित किया गया, जिसमें हमने और आयोजकों ने यह डिसाइड किया कि जो पारंपरिक रूट है उसी रूट पर से झांकी निकाली जाएगी और एक तरफ मंच लगाए जाएंगे, दूसरी तरफ दुकानें आयोजित की जाएंगी और शासन के निर्देशों के अंतर्गत कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। आज पुलिस प्रशासन द्वारा बेटमा नगर के अंदर शांति कमेटी की मीटिंग बिठाई गई थी। यह मीटिंग आगामी तेजादशमी, डोल 11 और अनंत चौदस के लिए रखी गई थी। इस मीटिंग का मेन उद्देश्य था कि जो बेटमा नगर के अंदर झांकियाँ निकलती है, डोल निकलते हैं और अखाड़े निकलते हैं, ये सभी अपने सौहार्दपूर्ण तरीके से निकलें। साथ ही साथ इस मीटिंग के अंदर अखाड़ों के ऊपर धारदार हथियारों के ऊपर प्रतिबंध लगाया गया है, तो सभी लोग अपना ये त्यौहार शांति से और उस उद्देश्य से मनाएं। साथ ही साथ नगर परिषद, MPB, चिकित्सालय, इन सभी को भी निर्देशित किया गया है कि आप अपने अपने क्षेत्र में अपना अपना जो कार्य है पूर्ण ईमानदारी से और अच्छे व्यवस्थित कार्यक्रम से करें। नगर परिषद की तरफ से, माननीय विधायक जी की तरफ से और सांसद जी महोदय की तरफ से सभी झांकियों को एक पारितोषित दिया जाएगा। यह एक पहली पहल है। इस पहल का मेन उद्देश्य ये है कि जो भी अपने त्योहारों के अंदर जो धीरे धीरे जो एक रूखापन आ रहा है उसको कैसे भी करके इन सभी लोगों को जागृत किया जाए, इसी उद्देश्य के तहत आज डोल 11 के उपलक्ष्य में, जो 14 तारीख को डोल 11 का पर्व बेटमा परंपरागत रूप से मनाया जाता है, उसके अंतर्गत सभी प्रशासनिक अधिकारी, सभी पत्रकार बंधु, सभी साथ में हमारे मंदिरों के पुजारी, हमारे सभी जनप्रतिनिधिगण, नगर परिषद के सभी पार्षदगण और सभी की उपस्थिति में ये आयोजन मीटिंग रखी गई। उस मीटिंग में ये निर्णय लिया गया कि जो परंपरागत रूप से जो रूट है डोल का, झांकियों का, उसी हिसाब से परंपरागत रूप से शांतिपूर्ण तरीके से सब त्यौहार मनाया जाए। हमने भी आश्वासन दिया कि त्यौहार बहुत अच्छे से शांतिपूर्ण तरीके से। नगर पालिका की तरफ से हमारे इधर से साफ सफाई की, पानी की, लाइट की, ये व्यवस्था उचित रूप से रहेगी। पता नहीं चलने पर तो लोगों को उसका आइडिया भी नहीं है और वो उतना उसका आनंद उठा भी नहीं पाते, तो ये बहुत अच्छा विचार है और सुझाव है। चले जाते हैं, इसके पश्चात झांकियों का निकलना प्रारंभ होता है। झांकी अब चीजें रहते हैं तो उससे क्या होता है, जब हम जो शासन के निर्देश बताते हैं या शासन की गाइडलाइन आपको समझाते हैं तो उनके साथ हम कोई सख्त निर्देश देते हैं जिनका पालन करना होता है। बेटमा से खबर समय जगत के लिए सुनील मेघाया की रिपोर्ट। फॉर लेटेस्ट न्यूज सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकॉन।